आप भी बिहार के निवासी हैं या फिर बिहार में आपका जमीन है, तो जिस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक करते ठीक उसी तरीके से आपके ज़मीन के जमाबंदी में आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक करवाना पड़ेगा। यदि आप करवा लिए तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार लिंक या फिर मोबाइल अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी पता कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन कर देते हैं, यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना बिहार भूमि। जैसे आप बिहार भूमि लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट में लिंक दिखा देगा, इस लिंक के ऊपर में एक बार टैप कर देना। बिहार सरकार की तरफ से बनाया गया ये वेबसाइट है, जिसके मदद से ज़मीन से संबंधित बिहार में सारा चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मोटेशन कर सकते हैं, ज़मीन का लगान निकाल सकते हैं, जमाबंदी चेक कर सकते हैं, काफ़ी कुछ इस पोर्टल की मदद से कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। पहला काम आपको यहाँ पे जमाबंदी पंजी जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप जमाबंदी पंजी के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पे अंचल का नाम सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे मोजा सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं कि भाग और पृष्ठ दोनों से चेक कर सकते हैं, नाम से भी सर्च कर सकते हैं, प्लॉट नंबर मतलब खेसरा नंबर हो गया, खाता नंबर, फिर जी टू में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास में जमाबंदी संख्या है तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, तो फाइनली यहाँ पे आपको कैप्चा टाइप करके सर्च के ऊपर में क्लिक कर देना है, जल्द मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस साइड में देख रहे हैं कि कंप्यूटर जमाबंदी संख्या दिखाई देगा, नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या फिर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं नोट में। वापस आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, चेक आधार मोबाइल स्टेटस, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जमाबंदी नंबर है वो यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे चेक स्टेटस के ऊपर में एक बार क्लिक कर देना है। फाइनली जैसे चेक स्टेटस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पे इसका इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख रहे हैं इंटर यूनिक जमाबंदी नंबर इज नॉट लिंक विथ एनी मोबाइल और आधार, मतलब इस जमाबंदी नंबर में अभी तक जो है कोई भी मोबाइल और आधार नंबर लिंक नहीं हुआ है या फिर मोबाइल नंबर लिंक करा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से डिटेल्स आएगा, जिसमें यहाँ पे आपका सीरियल नंबर दिखाई देगा, प्लॉट दिख जाएगा और साथ साथ यहाँ पे आपके मोबाइल का आखिरी जो चार डिजिट है वो दिख जाएगा। अगर आधार नंबर जुड़ा हुआ रहेगा तो आधार नंबर भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं कि आपके जमाबंदी में जो आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर अपडेट किया गया वो अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ। यदि आप जानना चाहते हैं कि जमाबंदी में आधार या फिर मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो आपके पास में दो रास्ता है। पहला, आप अपने कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं, आपके ब्लॉक में जो अंचल में जो कर्मचारी होते हैं राजस्व कर्मचारी, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। हिंदी में ऑनलाइन आधार या फिर मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके बिहार भूमि लिख करके सर्च करना है। जैसे बिहार भूमि लिख करके सर्च कीजिएगा, एक बार की काफ़ी सारा सर्विस आपको नजर आएगा। एक सर्विस आपको दिखा देगा, SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करें, इसके ऊपर मैं आपको एक बार टैप कर देना है। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर और जो कैप्चा है ये टाइप करके आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान प्रोसेस है, इनके ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आपका कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर में आप दोनों सेम नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन में, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर होल्डर का दिया हुआ, यहाँ पे ईमेल ID दिया हुआ, उपयोगकर्ता का एड्रेस, टाउन सिटी जो भी है, विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, पिन कोड जो कैप्चा वो, और रजिस्टर नो के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। जो भी मोबाइल नंबर दीजिएगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करने के बाद आपका इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे आ जाना है और आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा टाइप करना है, साइन इन के ऊपर में क्लिक कर देना। आपके दिए गए मोबाइल पर एक OTP जाएगा, जो यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कन्फर्म के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने में सारा सर्विस दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना, अंचल सेलेक्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपको हल्का सेलेक्ट कर लेना, फिर मोजा सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर आपको भाग और पृष्ठ संख्या यहाँ पर टाइप करके सर्च करना है। प्रोसेस से आप अपनी जमाबंदी में आधार और मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका, आपको अपने कर्मचारी से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए कि बिल्कुल फ्री में वो अपडेट कर देंगे। अपनी ज़मीन के जमाबंदी में आधार नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट कीजिएगा। यदि आप अपडेट करवा चुके हैं राजस्व कर्मचारी से या फिर खुद से भी, तो उसको आप कैसे वेरीफाई कीजिएगा कि आपका लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो यदि इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए और भी नेक्स्ट अगला वीडियो कुछ अच्छा लेकर के आओ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।